रात में 11:30 बजे जो मोहल्ला कजवाली चक है, ये ततारपुर थाना अंतर्गत पड़ता है भागलपुर जिला में, तो वहाँ पर एक घर है जिसके मालिक हैं मोहम्मद आज़ाद, और उस घर में किराएदार के रूप में लीलावती देवी और उनके परिवार के कुछ सदस्य रह रहे थे। तो 11:30 के आसपास बहुत ही जो है शक्तिशाली एक विस्फोट हुआ, और उसके बाद जो है उसमें जो मेन घर था जिसके मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसके अलावा आसपास के भी जो है कम से कम 2 और घर वो भी क्षतिग्रस्त हुए, और उन घरों में रहने वाले जो नागरिक हैं उनको भी बहुत क्षति पहुँची है। मैं विस्तार अभी आपको दे देता हूँ। और घटना की सूचना मिलते ही सारे के सारे जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं, SSP साहब हैं, DIG साहब हैं, हमारी डॉग स्क्वाड की टीम, हमारी FSL की टीम, वो अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग में वहाँ पहुँच गई थी, और उसका बहुत बारीकी से वो जांच उन्होंने की और पुनः एक बार जांच करेंगे, क्योंकि अब जो है वो पिछले 8-10 घंटों के अथक प्रयास से मलबा हट गया है, तो एक बार उसको और बहुत गहनतापूर्वक जांच करनी ज़रूरी है कि मलबा जो बाद में पहले जो था हटा हुआ या जितनी जगह थी उसके हिसाब से कुछ वहाँ पर चीज़ें इकट्ठी की गई जो हमारी टीम्स देखती हैं। लेकिन क्योंकि अब जो मलबा है वो ऑलमोस्ट पूरा हटा दिया गया है, तो उसको एक बार और हमारी टीम जो है वो पुनः बहुत डिटेल में उसको देखेगी, ताकि हम लोग इस पूरे तार्किक निष्कर्ष पे पहुंच सकें कि इसका जो है वो मेन कारण जो है वो क्या है, और ये कहां से जो है वो शुरू हुआ और किस तरह से लोगों को डैमेज हुआ, हमारी स्थानीय पुलिस की कोई कमी रह गई, वो सब बातें मैं आपसे करूंगा। तो जो सबसे बड़ा डैमेज हुआ था वो ये जो लीलावती देवी जिस पोर्शन में रहती हैं, इनके जो है घर के 5 लोग वो जो है वो मृत्यु हो गई 5 की, उसमें लीलावती देवी हैं, उनके जो है वो पिंको देवी हैं, आरती कुमारी है, प्रियांशु कुमार है, आयंश कुमार है, ये 5 लोगों की मृत्यु घटनास्थल पर जो है वो हो गई थी। उसके बाद जो बगलगीर हैं महेंद्र मंडल, उनके घर में जो लोग निवास कर रहे हैं उसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई, उनका एक जो पुत्र है नवीन मंडल वह जख्मी हुआ, और ये सब के सब जो भागलपुर का हमारा मेडिकल कॉलेज है वहीं पर इलाजरत हैं। उस वक्त जो है वो महेंद्र मंडल और उनके पुत्र सुनील मंडल, इन दोनों का जो ये दोनों को मलबे में दबे होने की बात जो है वो सामने आई थी। अब जो है इन दोनों के भी शव जो है वो पुलिस ने प्राप्त कर लिए हैं। तीसरा जो एक घर था वो राजकुमार शाह का घर था, वो भी बिल्कुल बगलगीर है। उस घर में उनका जो है वो बेटा राहुल कुमार, उसकी मृत्यु पहले हो गई थी, और ये घंटा पहले ये जो महेंद्र मंडल हैं और उनके जो पुत्र सुनील मंडल, इन दोनों का भी जो मलबा हटने के बाद शव प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त वैष्णी देवी, जया कुमारी, श्रवण कुमार, सोनी कुमारी, रिंकू कुमार सा, राखी कुमारी, शीला देवी, ये भी जख्मी हुए। एक और बगलगीर, बिल्कुल बगल का घर है, गणेश प्रसाद सिंह, उनकी जो है मृत्यु हुई, और एक उनके घर की महिला उर्मिला देवी हैं, उनकी मृत्यु हुई। एक जख्मी और है उस इलाके में, आयशा मंसूर, उनका जो है वो इलाज चल रहा है। ये मैंने आपको केवल तथ्य जो है वो बताएं, थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको 2-3 चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ज़रूरी है। मैं बता रहा हूँ, अभी जो लेटेस्ट कैजुअलिटी है वो 14 है, और ज़ख्मी लोग जो हैं वह 10 हैं।